नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूँ दरभंगा की अहम खबरों के साथ। आज मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजन के दौरान कुछ प्रतिभागियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक फेडरेशन दरभंगा द्वारा किया गया था। आयोजक द्वारा बिना पूरी तैयारी के ही मैराथन दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ किया गया। इनके द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रतियोगिता स्थल पर अव्यवस्था के चलते अप्रिय घटना घटित हुई। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया और इसकी जांच हेतु DDC की अध्यक्षता में ही एक त्रिसदस्यीय कमेटी गठित कर दिया गया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा विजय पंडित को उक्त फाउंडेशन के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में किया गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता आयोजन हेतु आयोजक को सीधे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। जिला अधिकारी ने कहा कि कलांतर में बिना अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के किसी भी संस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। विधायक डॉक्टर फराज फातमी, अंचलाधिकारी सुशील कुमार उपाध्याय, BDO सिद्धार्थ कुमार, मुखिया परशुराम यादव ने सरैया निवासी सुधीर पासवान के पुत्र छात्र आदित्य कुमार उम्र 10 साल की बेनीबाद बागमती नदी वे बनौली पोखर में सूर्य भगत की डूबने से मौत होने के बाद शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4-4 लाख रुपए का चेक हरपुर के सरैया निवासी छात्र आदित्य कुमार उम्र 10 साल के पिता सुधीर कुमार पासवान वे बनौली निवासी सूरत भगत की मां सुनीता देवी को प्रदान किया। मौके पर मुखिया परशुराम यादव, भोला पासवान, सुधीर कांत मिश्रा, अजमत अब्बास, पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र यादव, राजद अध्यक्ष विनोद भगत, विधायक प्रतिनिधि कैसर खान, मोहम्मद कपिल आदि मौजूद थे। MLC सुनील कुमार सिंह ने आज घनश्यामपुर प्रखंड का दौरा करते हुए अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए फैसले पर क्षेत्र के जनता से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। साथ ही पाली गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा में भी BJP और JDU का साथ बरकरार रहने की बात कही। वहीं घनश्यामपुर प्रखंड के डिप्टी प्रमुख नसर नवाब ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। इस मौके पर उप मुखिया सुनील कुमार झा, आफताब आलम, सोनू, जदयू नेता हसन जाहिद, मिठू, वसीम जावेद आदि मौजूद थे। आज दिनांक 10/11/2019 को पूर्वाहन 11 बजे सृष्टि फाउंडेशन रामबाग परिसर में अंगदान विषय पर डॉक्टर हीलालाल सहनी की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी आयोजन की गई। विचार गोष्ठी में उपस्थित सभी समाज सेवियों द्वारा इस विषय को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थान की स्थानीय स्तर पर गठन की आवश्यकता महसूस की गई। डॉक्टर जय शंकर झा, नीरज कुमार खेड़िया, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जय प्रकाश नारायण पाठक, डॉक्टर सुमित कुमार मंडल, देव शीष प्रसून एवं कामेश्वर कुमार ओझा ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने अगली बैठक दिनांक 17/11/2019 को अपराहन 3 बजे कामेश्वर कुमार ओझा के आवासीय परिसर में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जय शंकर झा अपने भावुकाल में किडनी दान के आह्वान पर बोकारो तक जाने की घटना से अवगत कराते हुए कहा कि कलयुग केवल दान धर्म पर ही टिका हुआ है। डॉक्टर सुमित कुमार मंडल ने इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रही है संस्थानों से संपर्क साधने का सुझाव किया। आज दिनांक 10/11/2019 को हैदर मार्केट नीम चौक दरभंगा में डॉक्टर अशराफ आजम MBBS MD के क्लिनिक का जफर आजम IRTS रेलवे एवं
असराफ हुसैन पूर्व जिला परिषद के हाथों क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर दरभंगा जिला के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सभी ने कहा कि आज की जरूरत है लोगों की सेवा करना और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसान की सेवा कर पुण्य कमाए। डॉक्टर असराफ आजम पूर्व में रेलवे डिवीजनल अधिकारी के रूप में रेलवे में भी सेवा दे चुके हैं। प्रोफेसर शमशुल हक के सबसे छोटे सुपुत्र के रूप में अपने समाज के लोगों के बीच सेवा देने के लिए तत्पर है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।